रामनगरी अयोध्या के विकास में अब एक और आयाम जुड़ने जा रहा है। अयोध्या नगर निगम अब श्रद्धालुओं को रामलला के दरबार तक पहुंचाने के लिए रोपवे बनवाने का काम कर रहा है। इसके लिए नगर निगम स्विट्जरलैंड की कंपनी से बातचीत भी कर रहा है। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी रोपवे को लेकर अपना प्रेजेंटेशन भी दे चुकी है। अयोध्या नगर निगम के नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना के अनुरूप अयोध्या के विकास के लिए मंथन किया जा रहा है। अयोध्या के विकास के लिए सभी विकल्पों पर नगर निगम मंथन कर रहा है। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि आने वाले समय में अयोध्या में किस चीज की आवश्यकताएं हैं, इसके लिए योजना तैयार की जा रही है। रामलला के दरबार तक श्रद्धालुओं को पहुंचने के लिए नगर निगम अयोध्या एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से बनाने की तैयारी में है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के साथ ही श्रद्धालुओं को राम मंदिर तक पहुंचाने के लिए सुगम मार्ग बनाने की तैयारी चल रही है। एलिवेटेड रोड और ओवरब्रिज निर्माण को पहले ही सरकार हरी झंडी दे चुकी है। अब नगर निगम ने भी एक नया मार्ग बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। श्रद्धालुओं के राम मंदिर तक आवागमन के लिए रोपवे का निर्माण रामनगरी की सबसे बड़ी परियोजना मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नमामि भारत, अयोध्या।